नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज़लैंड में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्राइम की खबर। पॉक्सो एक्ट में सुधार की मद्रास हाई कोर्ट ने दी सरकार को सूचना। 18 साल से कम और 16 साल से ज्यादा उम्र वाले लड़का या लड़की दोनों की अनुमति से शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं तो उसे गैर मानना गलत होगा, ऐसा निरीक्षण मद्रास हाई कोर्ट ने दर्शाया है। एक केस के चलते 17 आयु वाली लड़की के अपहरण के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी, उसे हाई कोर्ट ने निर्दोष घोषित किया था। तो अब 16 से 18 उम्र के बीच युवा युवतियों के बीच दोनों की सहमति से शारीरिक संबंध होता है तो उसे गलत नहीं माना जाएगा, यानी पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 2 साल कम हुए ऐसा दर्शाया जा रहा है। क्राइम पेट्रोल सीरियल देख बहू ने की चोरी की वारदात। उज्जैन एक बहू ने शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया। टीवी पर दिखाए जाने वाले सीरियल क्राइम पेट्रोल में दिखाई देने वाली घटना को बहू ने रियल लाइफ में ही शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दे दिया है। पुलिस ने पूरे मामले पर से पर्दा हटाते हुए चोरी की घटना का पर्दाफाश कर दिया है। खाराकुआ पुलिस के मुताबिक पुरुषोत्तम गोपाल व सुरेश तीनों भाई जूता चप्पल का व्यवसाय इंदौर में करते हैं। मिर्ची नाला निवासी पुरुषोत्तम पिता गब्बूर चंद ने खाराकुआ थाने में शिकायत दर्ज कराई कि घर में रखी तिजोरी में से 12 लाख के रुपए रखी रकम चोरी हो गई है। तिजोरी की चाबी पुरुषोत्तम की मां के पास थी। तिजोरी की 2 चाबी मां के पास रखती थी, एक चाबी खुद के पास और एक चाबी बाहर अपनी जगह पर रखी जाती थी। लेकिन क्राइम पेट्रोल सीरियल देख चुकी पुरुषोत्तम के भाई सुरेश की पत्नी नेहा चोरी की घटना को अंजाम देने का मन बना चुकी थी। सुरेश की पत्नी नेहा ने 9 अप्रैल को सुबह अपनी सास के नहाते समय सास के पास रखी दूसरी चाबी को चुरा कर अपने ही साड़ी के पेटीकोट में बाहर किसी टेलर से 9 जेब सिलवाई और तिजोरी का ताला खोलकर उसमें 12,32,000 रुपए की नकदी को अपने पड़ोस में रहने वाले इम्तियाज को दे दिया और फिर उसे किसी से कुछ कहने के लिए मना कर दिया। नेहा व इम्तियाज के बीच प्रेम संबंधों की जानकारी मिली है। अपने ही घर में बहू की इस घटना को किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन बहू नेहा के पति का छोटा मोबाइल घर में गायब दिखा, फिर वह नेहा के पास से मिला, जिसकी कॉल डिटेल्स चेक करते हुए सुरेश ने अपनी पत्नी नेहा से इस बारे में पूछताछ की तो वह आनाकानी करने लगी। फिर उससे लगातार पूछने पर सारी हकीकतें बाहर आ गईं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जानकारी में जुटी है। हिमाचल के डलहौजी में खाई में गिरी बस, 10 की मौत। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी निजी बस करीब 100 फीट गहरी खाई में गिर गयी। इस हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या 7 बढ़कर 10 हो गयी है, साथ ही 25 लोग अभी भी घायल हैं। घायलों का चंबा के अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं हादसे पर सीएम जयराम ठाकुर ने दुख जताया है। सीएम ने कहा कि सरकार दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है। मिली जानकारी के अनुसार हादसा डलहौजी के पंचपुला के पास हुआ है। हादसे का शिकार हुई बस पठानकोट से डलहौजी की तरफ जा रही, तभी ड्राइवर का बस से नियंत्रण हट गया और बस खाई में जा गिरी। चंबा के एसडी डॉक्टर मोनिका ने हादसे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है, घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।